काल से पहले मैंने बताया ना आपको, हम दो स्तर पे बना रहे हैं कि हम लोग विधानसभा भाई जाएंगे, सम्मेलन भी करेंगे, अभी रणनीति बन रही है। नीचे बूथ के जिले के जो हमारे अध्यक्ष हैं उनसे रणनीति बना के सम्मेलन करवाएंगे, और जिस जिले में जिस नेता की जरूरत है, क्योंकि ये देश जातियों का देश है, आप भी जानते हो, जबकि हम जातिवाद में विश्वास नहीं करते हैं, हम 36 कौम का सम्मान करते हैं, लेकिन हम लोग नेताओं को अलग अलग रूट चार्ट बनाएंगे। और जो हमारी कैंपेन में जैसे सीपी जोशी जी भी है, तेज तर्रार नेता है हमारे, मोहन प्रकाश जी हैं, राजकुमार जी हैं, आचार्यवास जी हैं, चांदना जी हैं, तो हमारे यहाँ एक से एक मजबूत नेता है, उनको हम जिलों में भेजेंगे और जल्द रणनीति बना के दो चार दिन में आपके सामने घोषणा करेंगे। ईआरसीपी के लेकर ईआरसीपी आप भी जानते हो कि ये घोषणा थी वसुंधरा जी की, ये घोषणा थी नरेंद्र मोदी जी की, उन्होंने पूरी नहीं की, और हम लोग जल्द ही 24 तारीख के बाद में हम ईआरसीपी जो है इसके लिए भी यात्रा का जो है वो बन रहा है प्रोग्राम। 13 डिस्ट्रिक्ट में चलेगा, हाँ वो जो 13-14 डिस्ट्रिक्ट है हम उसी में चला करके और फोकस करेंगे। सर आपने कहा कि जैसे जो प्रचार होगा कैंडिडेट बनने के बाद अलग होगा, कैंडिडेट बनने से पहले अलग होगा, इसका क्या रूपरेखा करेंगे? ये रूपरेखा एक दो दिन में हम तय कर देंगे, बाकी हमारा यही है कि विधानसभा वाइज जो है लोग हम लोग सम्मेलन करेंगे, बड़ा बड़ा ही है। ये लगातार आप सीटें हार रहे, वहाँ कैसे जीतोगे, वहाँ कैसा कैंपेन होगा? अरे हारने वालों में भी जो अशोक गहलोत जी का जादू चलेगा वहाँ, अच्छा, वो जादूगर है, उन्होंने जो 10 घोषणाएं की है, भारतीय जनता पार्टी वाले भी चुनाव का इंतजार कर रहे हैं कि गहलोत जी ने जो घोषणाएं दी है, 100 यूनिट बिजली, ओपीएस, चिरंजीव, 2000 यूनिट बिजली फ्री, 40,000 गाय पर, जो उन्होंने योजनाएं दी है उसके जनता घायल हो चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की आपको बता दूं जमानतें जब्त होगी, और जहां कैलाश मेघवाल जैसे को बाहर निकालने की साजिश की जा रही है, उस पार्टी की क्या दुर्गति होगी वो मैं आपको दिसंबर के बाद रिजल्ट में बता दूंगा। सर भाई साहब, ये आम आदमी पार्टी भी 200 सीटों पे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। आम पार्टी वैसे हमारे इंडिया में आ चुकी है, उसमें सम्मिलित है इंडिया में, इसलिए बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि वो बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। नहीं, अभी मैं उनके बारे में नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो चर्चा करने के बाद में कोई